बिग बॉस खत्म हो चुका है, बट वो एक अभी भी उसका हैंगओवर है उस शो का, बहुत ज़्यादा है मुझे लग रहा है। और अभी मेरी जो तबीयत ख़राब चल रही है वो इसी वजह से कहीं ना कहीं है। एक्चुअली मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, बट हैंगओवर से ज़्यादा यू नो मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस में जो हुई हैं चीज़ें यू नो उस ट्रॉमा से निकलना बहुत मुश्किल है बाहर। बहुत टाइम लगेगा शायद आने के लिए, क्योंकि बहुत चीज़ें उस घर में हुई है, लेकिन आई एम वेरी श्योर विद द हेल्प ऑफ फैमिली एंड एवरीबडी टुगेदर हम लोग डेफिनेटली रिकवर जल्दी कर लेंगे। आपका और विक्की का रिलेशनशिप अब कैसा है आफ्टर द हाउस? आई थिंक वो हमारा घर में भी बहुत अच्छा था, दिखाई बस सिर्फ झगड़े गए, उसके बाद जल्दी से जल्दी हमारा पैचअप भी हो जाता था। और आई थिंक हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते रहते हैं, और वही शायद मेरे विक्की में वहाँ होता था, लेकिन वहाँ पर भी हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था जो शायद दिखा नहीं। लेकिन घर से आने के बाद मुझे ऐसा लगता है और ज़्यादा उसका एक आई वुड से हम यू नो एज अ कपल और ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, और जहाँ जहाँ हमारे बीच जो कमियाँ थी वो शायद और उसको स्ट्रांगली समझ के उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा है कि लाइव फीड में आप और विक्की बहुत मस्ती करते थे, फन बैंटर हुआ करता था, बट अनफॉर्चुनेटली जो एपिसोड कट होता था उसमें सिर्फ झगड़े ही दिखाए गए। तो डू यू थिंक कि इट वाज अ स्ट्रेटेजिक मूव टू जस्ट शो द टॉक्सिसिटी ऑन टीवी? आई थिंक बिग बॉस ऐसा शो रहा है हमेशा, हम भी जब पहले बिग बॉस देखते तो हमने भी हमेशा झगड़े लड़ाइयाँ, और इसीलिए शायद यू नो हमारे घर वाले हमें मना करते थे जाने के लिए, क्योंकि उसमें सिर्फ लड़ाई झगड़े ही दिखाए जाते हैं। लेकिन इट्स आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द शो, आई मीन ड्रामा लोगों को एंटरटेनमेंट किसे नहीं चाहिए। तो अगर लोग एंटरटेनमेंट के नाम पे यू नो अगर वो झगड़ा ही देखना चाहते हैं तो वी कांट हेल्प इट। बट ऑफकोर्स जैसे आपने कहा लाइव फीड पे यू नो मैं और विक्की क्या आई थिंक जितने वहाँ लोग थे, और वो जब लड़ाइयाँ भी होती थी लेकिन पैचअप्स भी होते थे, मस्ती भी होती थी, तो वो शायद कम दिखाई है, लेकिन वो रियल लाइफ में कहीं ना कहीं पार्ट है हमारे, तो वो भी कहीं ना कहीं दिखेंगे हम शो। तो उस चीज़ के वजह से विक्की को काफ़ी ट्रोलिंग सहनी पड़ी, एंड आई हैव सीन वन थिंग कि जब भी उनकी तरफ सवाल उठते थे यू वुड गो इनटू अ गिल्ट ट्रिप, यू वुड फील गिल्टी, व्हाई इज इट दैट? बिकॉज ही इज माय हस्बैंड एंड आई डोंट वांट इट टू हैपन ऑफ कोर्स। एंड यू नो वो चीज़ आप किसी को भी नहीं अच्छी लगेगी, अगर वो मेरे साथ भी हो रहा था कहीं ना कहीं तो विक्की को भी नहीं अच्छा लगता था। और यू नो एक मुझे ऐसा लगता है जब आप पार्टनर्स होते हो एक दूसरे के, आप में वो इमोशंस होते हैं, आप कभी अपने पार्टनर को गलत नहीं दिखाना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं यू नो आप नहीं चाहते हो लेकिन वो हो रहा था, तो उस वजह से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता था बिकॉज ऑफ माई इमोशंस एंड बिकॉज ऑफ माई रिएक्शंस। आई थिंक वो कभी कभी बहुत ज़्यादा वो उसके ऊपर बैकलैश बहुत हुआ उस चीज़ का, सो आई वॉज काइंड ऑफ गिल्टी फॉर दैट। But let me tell you, he took everything very sportingly. Yes, I know. He's done that. I know. I am very sure, and he's very strong that way. So, yeah, उसका support नहीं होता तो शायद हम यहाँ पर भी नहीं होते अभी. Correct. आपकी जो mother in law हैं, वो घर पर आए थे. आपने कहा था विक्की से कि मैं बाहर जाकर उनसे sorry बोलूँगी. मैं चीजों को सुलझाऊँगी. तो अभी आपकी बात हुई उनसे, हाउ इज द सिचुएशन? आई थिंक जैसे हम लोग घर से बाहर आए हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, सब खत्म हो गया था, क्योंकि वो सब अगर मैं वापस वो टॉपिक लेकर आऊंगी या बात करूंगी सो यू नो मुझे नहीं लगता कि यू नो आप अपने से जो बड़े होते हैं उम्र के आप वो बार बार चीज़ें लेकर आओ, क्योंकि हम सबसे कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं, और उनसे उन्होंने जो भी कहा मुझे पता है वो कहीं ना कहीं बहुत यू नो मेरे जैसी हैं, वो उस इमोशन में आके शायद वो बोल देती हैं लेकिन उनका मतलब वो नहीं होता, सो आई थिंक सब सॉर्टेड है। अंकिता, वी ऑल थॉट दैट यू नो यू वुड विन द शो, यू वुड लिफ्ट द ट्रॉफी, इवन सलमान खान सर सेड दैट यू नो ही थॉट यू वुड विन, यू वर रिजेक्टेड। या आई मीन आई वाज शॉक्ड यू नो कि आई वाज नॉट रियली अपसेट विद द होल थिंग बट आई वाज शॉक्ड, क्योंकि आपको पता होता है कि यू नो people are out there who are loving you, you know, आप इतने साल से इस इंडस्ट्री में हो और पता है कि लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगा शॉकिंग था, लेकिन आई एम वेरी मच ओके विद दैट। आई थिंक जो जीता है वो आई एम वेरी श्योर वो डिजर्व करते हैं, उनके इतने फॉलोअर्स हैं एंड देर आर पीपल आउट देर जो मुनव्वर को इतना प्यार करते हैं, तो इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन फॉर मी, इट्स ऑलवेज अ वर्क थिंग। मैं वहाँ पर काम कर रही थी और काम में ऊपर नीचे जैसे बोलते हैं ना ऊंच नीच होती रहती है, सो मेरे लिए ऐसा था कि मुनव्वर भी जीता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम मेहनत हम सब ने की थी, तो इट्स ओके, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द गेम।
you received support from all over the entertainment industry, yes. be it the TV fraternity, the film yes. fraternity, everyone supported you. Yes. So, yeah, it's a good thing. I mean, यही मैं बोल रही हूँ, इतने साल से जब आप मेहनत करते हो और लोग आपको इतना प्यार करते हैं और स्पेशली आपकी इंडस्ट्री के लोग जब आपको ये बोलते हैं और सलमान सर ने जब ये बोल दिया कि आप जी मेरे लिए यू आर द विनर, सो आई थिंक दैट इज इट, लाइक इट्स ओके. अंकिता, बिग बॉस के घर में ऑफकोर्स यू बीन देयर, यू नो इट्स नॉट ईजी टू सर्वाइव. यू नो देर हैव बीन टाइम्स वेन पीपल एज शेम यू, बॉडी शेम यू ड्यूरिंग द फाइट्स, एंड दे मॉक यू फॉर द वे यू स्पीक. And it, I've seen that it has happened multiple times with you, like Manara has done, Aishwarya has done. How would you take that? Like, how would you feel in that particular moment? I think जब हम Big Boss में जा रहे थे तो you know हमें पता था कि ऐसा कुछ होगा, so we were kind of prepared for it कि ठीक है अब जो भी होगा वो Big Boss का घर है, आप किसी को रोक नहीं सकते, ना आप ये बोल सकते हो कि मेरे बारे में ये मत बोलो, क्योंकि वहाँ सब एक प्लेटफॉर्म पे सब एक जैसे हैं, तो आपकी अपनी सोच है जो लोग बोलते हैं और जो करते हैं. ऐसा नहीं मैंने नहीं बोला लोगों को, मैंने भी बोला है, लेकिन ऑफकोर्स मैंने किसी को एज शेमिंग या मैंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं बोली जो बहुत हर्ट कर जाए. पर उस घर में इट्स नॉर्मल व्हेन यू गो इनटू दैट हाउस. मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगी, लेकिन वो ऑटोमेटिक सबके अंदर से कहीं ना कहीं इतना एक रेज होता है कि सब बोल देते हैं. सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन फॉर मी, इट्स ओके. मैं उस घर में चीज़ें करके मैंने भी बोली हैं, लोगों से सुनी भी है, तो मैं सारी चीज़ें वहीं छोड़कर निकल कर बोल कर ख़त्म करके आई वॉन्ट टू मूव ऑन विद दैट एंड आई एम फाइन विद इट. डू यू सी एनी चेंजेस इन योर पर्सनैलिटी आफ्टर दैट शो? आई डोंट नो येट, यू नो आई एम स्टिल ट्राइंग टू रिकवर. तो आई थिंक जब मैं फुली रिकवर हो जाऊंगी तब मुझे शायद पता चलेगा ओके नाउ आई एम अ चेंज पर्सन और आई एम नॉट अ चेंज पर्सन. बट आई थिंक मुझे एक सेंस ऑफ कामनेस आ गई है. मैं मुझे लगता है मैं उस घर से आने के बाद शांत हो गई हूँ, जो कि मुझे नहीं चाहिए था कभी मेरे साथ ऐसा हो. लेकिन यस, आई हैव बिकम मोर सेंसिटिव अबाउट थिंग्स, यू नो मुझे छोटी छोटी चीज़ें भी हर्ट करने लग गई जो मुझे कभी पहले होती नहीं थी. एंड आई हैव बिकम मोर, यू नो मैं कह सकती हूँ मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग गई हूँ चीज़ों के लिए, जो कि पहले मैं बहुत बिंदास थी, मैं कुछ भी बोल देती थी या मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था. लेकिन नाउ आई हैव बिकम मोर अवेयर दैट ऑफ व्हाट आई से व्हाट आई स्पीक, बिकॉज यू नो पीपल आउट देयर वो जजिंग यू ऑल द टाइम विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. बट आई डोंट नो, धीरे धीरे पता चलेगा कि मैं वापस आई वॉन्ट टू गो बैक टू हु आई वॉज. सो यस, लेट्स सी क्या होता है मेरे साथ आगे. अंकिता, देयर इज वन टर्म जो पूरे सीजन में आपको बोला गया था, दैट यू कम अक्रॉस अ समवन हु इज इनसिक्योर. आर यू इनसिक्योर और वाज इट जस्ट द सिचुएशन दैट? आई थिंक इट वाज अ सिचुएशनल थिंग. आई हैव नेवर बीन इनसिक्योर बिकॉज़ देयर इज नथिंग इन मी वेयर आई फील दैट आई शुड बी इनसिक्योर अबाउट समथिंग. बट यस, आई एम वेरी पजेसिव, दैट्स मी. Not just for my husband, but you know, I am that way for my people. मैं किसी जो मेरा अपना है वो मेरा अपना है. So you know, I am that way. और ये मैं पहले से बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे बिग बॉस में जाके रियलाइज हुआ, ये मुझे हमेशा से पता है और विकी को भी पता है. तो लोगों को एक वर्ड मिल जाता है इनसिक्योर, और जब वो एक बार किसी ने बोल दिया और मैंने खुद अपने मुंह से जब वो बोल दिया, सो दे लिटरली यूज्ड इट अगेंस्ट मी, विच इज एब्सोल्युटली ओके. मतलब मैं किसी का माइंड सेट चेंज नहीं कर सकती, बट यही हूँ मैं. That's okay. Have you been in touch with Munawwar? Yeah, we are in touch, and वो अपनी success को भी बहुत अच्छे से enjoy कर रहा है, so yeah, we are in touch. Congratulations for your film. Thank you. And are you doing Nagin? No, I'm not. Not at all. So what about the film? Veer Savarkar abhi 22nd of March ko release hai, and I'm really looking forward for that because my first film after I you know came out of a Big Boss house, and देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, बिकॉज एक्टिंग इज समथिंग विच इज़ पार्ट ऑफ मी, यू नो. बिग बॉस ऑफकोर्स वहाँ पर थे हम लोग, आई यूज टू मिस माई यू नो एक्टिंग थिंग. मुझे लगता था कैमराज चाहिए, यू नो सब रोल करना है, दैट वॉज अ फीलिंग. तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा मैंने मिस किया है, एंड आई एम वेरी श्योर कि आई जस्ट स्टार्ट शूटिंग फॉर समथिंग वेरी सून. ओके, थैंक यू सो मच.